हेलो फ्रेंड्स, इजी नीटिंग में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा ये बॉर्डर का डिज़ाइन लेके आई हूँ। इस डिज़ाइन को आप लेडीज़ हाफ जैकेट में, लेडीज़ कार्डिगन में, बेबी फ्रॉक में, टॉप में, किसी में भी आप डालिए, उसी में ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बन के आएगा। देखिए फ्रेंड्स, जितना देखने में सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हम 16 के मल्टीपल में फंदे लेके और 3 फंदे प्लस कर लेंगे तो हमारा ये डिज़ाइन सही से एडजस्ट हो जाएगा। चलिए तो फ्रेंड्स, अब हम इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। डिज़ाइन बनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 35 फंदे लिए हैं, 16 के मल्टीपल में 32 और प्लस 3, तो मेरे ये यहाँ पे 35 फंदे हैं। अब हम इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला फंदा है हमारा ये यहाँ पे एज स्टिच है, इसको सीधा बुन लेंगे। फिर ये दूसरे फंदे को लेंगे, इसको ऐसे पलट लेंगे और दो का एक ऐसे बना देंगे, दो का एक बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो। फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। सीधा फंदा बनाने के बाद धागा आगे करेंगे और जो ये फंदा है इस फंदे के दोनों तरफ जाली डालेंगे। एक जाली डल गई, फिर धागा आगे करेंगे, फिर से इस फंदे को सीधा बना देंगे जाली डालते हुए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस फंदे के हमारे दोनों तरफ जाली डल गई, फंदे यहाँ पे बट गए, यहाँ साइड में एक फंदा घटा था जो यहाँ पे बट गया। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे। अब धागा पीछे करेंगे, अब जो ये हमारे तीन फंदे हैं, इन तीन का हमने एक फंदा बनाना है, तो यहाँ पे इस सेकंड फंदे को और फर्स्ट को लेके ऐसे नीडल में उतार लेंगे, फिर इस फर्स्ट फंदे को बीच में कर लेंगे और बीच वाले को आगे कर लेंगे ऐसे, और अब इनका तीन फंदों का एक फंदा बना देंगे। इनका एक बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, फिर से एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा। अब फिर यहाँ पे इस फंदे के दोनों तरफ जाली डालेंगे, धागा आगे करेंगे, एक जाली डल गई, फिर धागा आगे करेंगे, फिर से जाली डालेंगे, सीधा फंदा बना देंगे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर से दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे, एक दो, फिर धागा पीछे करेंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था दो का एक, ऐसे ही अब यहाँ पे फंदे को पलटेंगे नहीं, ऐसे ही दो का एक करेंगे, धागा पीछे ही रखेंगे, लास्ट का फंदा एज स्टिच है, इसको सीधा ही बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम अपने फंदों को सेट करेंगे तो हम उनको ऐसे ही बनाएंगे, दो का एक करेंगे, फिर दो उल्टे, फिर एक सीधा, फिर दो उल्टे, फिर ये दो जाली डालेंगे, फंदे के दोनों तरफ डल जाएंगी, फिर एक फंदा सीधा और फिर दो उल्टे, एक सीधा दो उल्टे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा ये रिपीटेशन ऐसे ही चलता रहेगा फंदों का, इन्हीं फंदों को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे, ये हमारे यहाँ तक 16 फंदे बन जाएंगे। अब हम आएंगे बैक साइड में, सेकेंड रो में। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो फंदा जैसा दिखाई देगा उसको वैसा ही बनाते जाएंगे, तो दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे,
और ये दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे दो फंदे फिर सीधे। बैक साइड में सभी सिलाइयां ऐसे ही हमारी बनती जाएगी, जो फंदा जैसा दिखाई देगा उसको वैसा बनाएंगे। अब जो ये जाली से बड़े फंदे हैं इनको भी उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। धागा पीछे करेंगे फिर से दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे फिर से ये उल्टा फंदा, फिर धागा पीछे करेंगे दो फंदे फिर सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा। ये हमारा जो सीधी तरफ से तीन का एक है वो यहाँ से उल्टा बनेगा। धागा पीछे करेंगे फिर से दो फंदे सीधे, जो फंदा सीधी तरफ से सीधा था वो बैक साइड से हमारा उल्टा बनेगा, जो उल्टा फंदा था वो यहाँ से सीधा बन जाएगा। अब फिर ये सीधा फंदा जो यहाँ से उल्टा, जाली वाला भी उल्टा, दो, ये तीन और चार और पांच, पांच फंदे यहाँ पे हमारे उल्टे आ गए। धागा पीछे करेंगे और फिर से दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे फिर से दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर से दो फंदे उल्टे। देखिए फ्रेंड्स, बैक साइड से जब भी हम सिलाइयाँ बनाएंगे तो जो फंदा जैसा दिखाई देगा उसको वैसा ही बनाते जाएंगे। जो फंदा यहाँ से सीधा है वो बैक साइड से उल्टा बनेगा, जो बैक साइड यहाँ से उल्टा है वो बैक साइड से सीधा बनेगा। अब आ गए हम थर्ड रो पर, तो फर्स्ट फंदे को हम यहाँ पर फिर सीधा बनाएंगे, धागे को पीछे रखेंगे, ये सीधा फंदा उल्टा फंदा, इस सीधे फंदे को ऐसे लेंगे और पलट लेंगे ऐसे, और यहाँ पर दो का एक बना देंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो फंदा हमारा यहाँ पे घटता है यहाँ जाली डल के फंदा बढ़ जाता है। धागा अपनी तरफ करेंगे फिर आगे ये उल्टा, धागा पीछे फिर सीधा, फंदा जो सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ फिर से ये दो फंदे उल्टे हैं इनको उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब हमने जो यहाँ से जाली डाल ली थी, एक फंदा सीधा, जाली सीधा, जाली फिर सीधा, तो हमारी यहाँ पे दो जाली थी, तीन फंदे सीधे थे, तो हम फर्स्ट फंदे को यहाँ पर सीधा ही बना देंगे ऐसे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे पे जाली डाल देंगे। अब फिर धागा आगे करेंगे, अब ये एक फंदा सीधा है आगे जाली वाला है, तो इन दो फंदों को जाली डालते हुए दो का एक कर देंगे ऐसे, जो फंदा यहाँ पे घटा है वो साथ में जाली डल के बढ़ गया। फिर धागा आगे करेंगे और एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, अब फिर जो ये उल्टे फंदे हैं उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे सीधा फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब यहाँ पे हमने तीन का एक करना है, तो इन फंदों को, इस सेकंड फंदे को लेंगे और फर्स्ट को, इनको ऐसे नीडल पर ले लेंगे, फिर ये बीच वाले फंदे को आगे ले आएंगे ऐसे, और इनका तीन का एक बना देंगे ऐसे ऐसे, धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे फिर से एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे फिर उल्टे। अब फिर हमारा वही जाली वाले डिजाइन का प्रोसीजर आ गया, तो इस फंदे को, पहले फंदे को हम सीधा ही बना देंगे ऐसे, फिर जाली डालेंगे। यहाँ पे जो ये जाली का फंदा है इसको सिंगल ही बनाना है हमने, हर बार इसको सीधा बनाएंगे ऐसे। अब जाली आगे डालते हुए इन दो का एक करेंगे, जो सेंटर का फंदा है सीधा और इसके आगे जाली वाला, इन दो का एक करेंगे ऐसे, फिर धागा आगे करेंगे और ये फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे एक दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे। अब फिर यहाँ पे दो का एक करना, तो एक उल्टा एक सीधा, इसको आगे की तरफ से ही, फंदे को पलटेंगे नहीं, दो का एक कर देंगे, लास्ट का फंदा सीधा। ये हमारी थर्ड रो बन के कंप्लीट हुई, डिजाइन भी हमारा नजर आने लगा। अब आएंगे हम फोर्थ
फोर्थ रो पर। फोर्थ रो को देखिए फ्रेंड्स, फिर से ऐसे ही बनाएंगे, जो फंदा जैसा दिखाई देता है। अब तो यहाँ पे साफ साफ हमको दिखाई देता है, उल्टा फंदा उल्टा बनाएंगे, सीधा सीधा बनाएंगे, और जो जाली के हैं वो फंदे भी हमारे उल्टे बनते जाएंगे। तो दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक सीधा, धागा आगे, एक उल्टा, धागा पीछे, दो सीधे, धागा अपनी तरफ। अब यहाँ पे ये उल्टे जाली से बटे फंदे भी, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, ये हमारे सात फंदे उल्टे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, फिर से एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा फिर उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, फिर से दो फंदे सीधे। देखिए फ्रेंड्स, बैक साइड से तो जो फंदा जैसा दिखाई देगा उसको वैसा ही बनाते जाइएगा, कोई मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही आसान डिजाइन है। ये डिजाइन हमारा 12 सिलाइयों में बन के कम्प्लीट हो जाता है, और बहुत ही प्यारा सा जिग जैग का और स्कैलप बॉर्डर बोलते हैं जिसको, वो डिजाइन हमारा बन के आ जाएगा। आप इसको कार्डिगन में डाल सकते हैं, हाफ जैकेट में डाल सकते हैं, बच्चों के फ्रॉक में डाल सकते हैं, गर्ल्स टॉप में डाल सकते हैं, कुर्ती में डाल सकते हैं, बहुत ही सुंदर डिजाइन बन के आता है। अब आ गए हम सीधी तरफ पांचवी सिलाई पर। तो देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब फिर ये दो का एक करना, तो एक सीधा है एक उल्टा है, सीधे फंदे को लेंगे, ऐसे पलट लेंगे और इसका दो का एक कर देंगे, फिर ये फंदा सीधा है इसको सीधा बनाएंगे, अब आगे उल्टे फंदे हैं तो इनको उल्टा बना देंगे, धागा पीछे करेंगे। अब फिर हमारा जाली वाला प्रोसीजर आ गया, तो सीधे फंदे को सीधा ही बना लेंगे, अब धागा आगे करेंगे, और ये जो जाली का फंदा है इस पे जाली डालते हुए इस फंदे को सीधा बना देंगे, फिर धागा आगे करेंगे, अब ये फंदा सीधा और ये एक जाली का, इसका दो का एक जाली डालते हुए कर देंगे, धागा आगे करेंगे, फिर से दो का एक करेंगे, एक जाली का एक सीधा, इनका दो का एक करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, लास्ट का फंदा सीधा जाली डालते हुए, धागा अपनी तरफ, फिर से दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। देखिए फ्रेंड्स, अब फिर हमने तीन का एक करना है, तो दोनों साइड में हमारे उल्टे फंदे हैं, बीच में सेंटर का सीधा है, तो पहले सीधे फंदे को लेंगे, फिर उल्टे को ऐसे लेके इनको उतार लेंगे और इस नीडल पे वापस डाल देंगे, तो हमारा बीच वाला फंदा है जो आगे की साइड आ जाएगा। तो तीन का एक करेंगे, तब हमारी ये जो बीच में बनेगी ये फली, ये बहुत ही सुंदर बन के आएगी ऐसे, धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे फिर उल्टे, फिर वही जाली वाला प्रोसीजर आ गया, तो इसको सीधा बनाएंगे फंदे को, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली डालते हुए सीधा एक फंदा बनाएंगे सिंगल, धागा आगे करेंगे, अब आगे दो फंदे बनाएंगे, दो का एक, एक सीधा एक जाली का, तो आगे की तरफ से दो का एक कर देंगे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर से दो का एक करेंगे जाली डालते हुए, फिर धागा आगे करेंगे जाल डालते हुए इस फंदे को सीधा बना देंगे, अब धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, एक सीधा एक उल्टा, इनका दो का एक बना देंगे ऐसे, सॉरी, धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, अब जो ये एक उल्टा है एक सीधा, इनका दो का एक करेंगे आगे की तरफ से, लास्ट का फंदा सीधा। देखिए फ्रेंड्स, पांचवी सिलाई बन के कंप्लीट हुई, डिजाइन हमारा नजर आने लगा। अब फिर आ गए हम बैक साइड में, फिर से जो फंदा जैसा दिखाई देगा उसको ऐसे ही बनाते हुए हम इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे, धागा पीछे, दो सीधे, धागा अपनी तरफ, ये जाली से बढ़े हुए सभी फंदे उल्टे,
पीछे, अब ये दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, फिर ये फंदा उल्टा, फिर आगे भी उल्टा फंदा है जो तीन का एक है, इसके साथ वाला भी उल्टा है, फिर धागा पीछे करेंगे और फिर दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, ये जाली से बढ़े सभी फंदे उल्टे बन जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, बनाना बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आप इसमें ध्यान लगाइएगा, बहुत ही जल्दी बन के आता है और बहुत सुंदर लगता है बनाने के बाद। धागा पीछे करेंगे, फिर दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, फिर से एक फंदा, ये तीन फंदे उल्टे लास्ट के। अब आ गए हम सीधी तरफ। देखिए फ्रेंड्स, फिर से वैसे ही करना है हमने, ये फंदा सीधा, आगे जो ये दो ये फंदा लेंगे ऐसे पलटेंगे, दोनों सीधे फंदे हैं इन दो का, एक कर देंगे ऐसे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये फंदा उल्टा, ये आगे वाला भी उल्टा, धागा पीछे करेंगे, जाली वाला प्रोसीजर आ गया। तो इस पहले फंदे को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फर्स्ट फंदे पे सिंगल जाली डालेंगे, ऐसे यहाँ पे सिंगल फंदा बनाएंगे, फिर धागा आगे करके सभी फंदों को दो का एक करते जाएंगे, एक सीधा और एक जाली वाला, जाली डालते हुए, फिर धागा आगे करेंगे, फिर से ये एक जाली का एक सीधा, दो का एक कर देंगे। अब फिर धागा आगे करेंगे, अब ये एक जाली का एक सीधा, इनका दो का एक करेंगे। अब धागा आगे करेंगे, लास्ट का फंदा सीधा है, इसको ऐसे ही बना देंगे, धागा अपनी तरफ, फिर से दो फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब फिर हमने यहाँ पे तीन का एक करना है, तो अब हमारे यहाँ पे तीनों फंदे सीधे हैं, तो सेकेंड फंदे को और फर्स्ट को लेके ऐसे निडल पे उतार लेंगे, फिर इस बीच वाले फंदे को आगे की तरफ कर लेंगे और तीन का एक बना लेंगे ऐसे। तीन का एक बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, फिर से जाली वाला हमारा डिजाइन आ गया, पहला फंदा हम सीधा ही बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, जो ये फर्स्ट जाली है इसको हम सिंगल ही बनाएंगे, जाली डालते हुए, जाली का फंदा है जो, धागा अपनी तरफ करेंगे, अब सभी फंदों को दो का एक बनाएंगे। सिर्फ आपने यही ध्यान रखना कि जो सीधे फंदे के साथ में फंदा है उसको सिंगल ही बनाएंगे, जाली डालते हुए आगे सभी फंदे हमारे दो का एक बन जाएंगे, तो हमारा जाली वाला पैटर्न अच्छे से बन के आ जाएगा। फिर से दो का एक करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे, एक फंदा ये, एक ये दो उल्टे, धागा पीछे, अब फिर दो का एक करेंगे, दोनों फंदे सीधे हैं तो आगे की तरफ से दो का एक करेंगे, लास्ट का फंदा फिर सीधा। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हमारा ये डिजाइन नज़र आने लगा। अब आएंगे हम बैक साइड में, बैक साइड में जो फंदा जैसा दिखाई देता है उसको वैसा ही बनाते हुए रो को पूरी करेंगे। अब आ गए हम सीधी तरफ, फिर से ये फंदा एच टी से सीधा बनाएंगे और इस सीधे फंदे को लेके ऐसे पलटेंगे, ऐसे दो का एक करेंगे, दो का एक करेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, अब एक फंदा उल्टा, फिर जाली वाला प्रोसीजर आ गया, तो इस फंदे को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, सिर्फ यहाँ पे ही आपने जाली डालते हुए ध्यान रखना है कि जो पहला फंदा जाली से बड़ा हुआ है इस फंदे को हर सिलाई में हम यहाँ पे सीधा ही सिंगल फंदा बनाएंगे, ऐसे जाली डालते हुए यहाँ पे दो का एक नहीं करेंगे, आगे सभी फंदों को दो का एक करते जाएंगे, जाली डालेंगे और दो का एक करेंगे, फिर जाली डालेंगे, फिर से दो का एक करेंगे, फिर जाली डालेंगे, फिर से दो का एक करेंगे, जाली से हमारे यहाँ पे फंदे बढ़ते जाते हैं और शायद जो ये बीच में है तीन का एक, यहाँ पे फंदे घटते जाते हैं,
फिर से दो का एक करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, ये लास्ट में फिर हमारा एक फंदा बच जाएगा, इस पर फिर जाली डालते हुए इसको सीधा बना देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, अब फिर ये तीन का एक करना, दोनों साइड में उल्टे फंदे हैं, बीच में सीधा, तो पहले बीच वाले फंदे में सिलाई डाल लेंगे, फिर फर्स्ट में ऐसे इनको चेंज कर लेंगे, और बीच का फंदा इसको आगे की साइड ले आएंगे ऐसे, और इनका तीन का एक करेंगे ऐसे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, ये फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे पर सिंगल बनाएंगे, जाली डाल लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक सीधा एक जाली का, इनका दो का एक करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक सीधा एक जाली का, इनका दो का एक बना देंगे जाली डालते हुए, फिर धागा आगे करेंगे, एक सीधा एक जाली का ऐसे, फिर धागा आगे करेंगे, एक सीधा एक जाली का, इन सभी फंदों को जाली डालते हुए दो का एक बनाते जाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे, ये फंदा सीधा है, इसको सीधा ही बना देंगे जाली डालते हुए, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, अब ये एक उल्टा एक सीधा, इनका दो का एक करेंगे ऐसे, लास्ट का फंदा फिर सीधा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा बीच में तीन का एक होता है, लास्ट में हमारा दो का एक होता है। अगर जो आपके प्रोजेक्ट में ज़्यादा फंदे हैं आप आगे बनाते जाएंगे तो यहाँ पे हमारा तीन का एक आ जाएगा। अब आ गए हम बैक साइड में, तो देखिए फ्रेंड्स, बैक साइड में फिर से ऐसे ही बनाएंगे, जो फंदा जैसा दिखाई देता है उसको वैसा ही बना के इस रो को पूरी करेंगे। एक सीधा धागा अपनी तरफ, जाली से बड़े फंदे सभी उल्टे, इसको ऐसे ही बनाते हुए पूरा कर लेंगे। धागा अपनी तरफ और ये लास्ट के दो फंदे उल्टे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी 10वीं सिलाई थी, अब आ गए हम 11वीं सिलाई पर सीधी तरफ। अब फिर ऐसे ही करेंगे, ये फर्स्ट फंदा सीधा, धागा पीछे रखेंगे, एक फंदा सीधा एक उल्टा, इसका दो का एक कर देंगे ऐसे, फंदे को पलटते हुए ऐसे, फिर ये फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, फर्स्ट फंदे के जो सीधा फंदा है इसके साथ में जो जाली का फंदा है इसको सिंगल ही बनाएंगे हर सिलाई में, फिर धागा आगे करेंगे, फिर दो का एक, सभी फंदों को दो का एक करते हुए जाली के फंदे बना देंगे, धागा आगे, फिर से दो का एक, धागा आगे, फिर से दो का एक जाली डालते हुए, फिर धागा आगे, एक सीधा एक जाली का, जाली डालते हुए दो का एक बनाएंगे, फिर से धागा आगे, जाली डालते हुए दो फंदों का एक फंदा बना देंगे, फिर धागा आगे करेंगे, लास्ट का फंदा सीधा, फिर यहाँ पे हम तीन का एक करेंगे, तो एक हमारे ये बीच में तीन फंदे ही बच गए हैं, ये हमारी 11वीं सिलाई है। अब इस पहले दो फंदों को इस नीडल पे लेंगे और फंदों को ऐसे पलट लेंगे, बीच वाला फंदा हमारा आगे की तरफ आ जाएगा और इनका तीन का एक सीधा फंदा बना देंगे, ये फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, इस फंदे पर को सिंगल बनाएंगे जाली डालते हुए, फिर धागा आगे करेंगे, अब आगे के सभी फंदे जाली डालते हुए दो का एक करेंगे, धागा आगे करेंगे, फिर से एक जाली का एक सीधा दो का एक बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे, ये सीधा ये जाली का, इनका दो का एक करेंगे जाली डालते हुए, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से दो का एक जाली डालते हुए, जो फंदा हमारा दो का एक होता है वो साथ में जाली डालते हुए फंदा साथ साथ हमारा बढ़ता जाता है, धागा आगे करेंगे, ये फंदा हमारा सीधा, धागा पीछे ही रखेंगे, अब यहाँ पे एक उल्टा है एक सीधा, तो दो का एक करेंगे, ये लास्ट फंदा सीधा। देखिए फ्रेंड्स, 11 सिलाई हमारी बन चुकी है, 12वीं सिलाई हमारी पूरी सिलाई यहाँ से उल्टी बनेगी, ऐसे धागा अपनी तरफ करते हुए इसको ऐसे पूरी को उल्टा बना लेंगे, ये हमारी 12वीं सिलाई बन के कंप्लीट हुई। देखिए फ्रेंड्स, 12 सिलाइयों में हमारा ऐसे ये डिजाइन बन के आ जाएगा।
आप ऐसे प्यारा सा बॉर्डर बना के जैकेट में डालिए, स्वेटर में, किसी में भी डालिए आप, बहुत ही सुंदर डिजाइन बन के आएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये स्कैलप बॉर्डर, जिग जैग बॉर्डर पसंद आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।